चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ रसगुल्ला की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। ये दूध कॉ मिल्क है और मैं कॉ मिल्क इसलिए ली हूँ कि इससे कि छेना जो है बिल्कुल सॉफ्ट बनता है, जिससे रसगुल्ला काफ़ी स्पंजी होता है। तो 1 लीटर दूध यहाँ मैंने लिया है और इसे मैं स्टर करते करते एक बॉयल आने तक अच्छे से बॉयल कर लूँगी। स्टर इसलिए करना है कि इसमें कोई मलाई ना जमे, क्योंकि मलाई जमने से छेना अच्छे फिर नहीं फटते। तो चलिए मैं इसे बॉयल करती हूँ। बॉयल हो चुका है। देखिए दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब मुझे गैस बंद कर देना है। अब मैंने गैस बंद कर दिया है। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए ठंडा होने दूंगी। तो देखिए ये दूध 1 मिनट के लिए ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे छेना फाड़ूंगी। इसके लिए मैं 2 बड़े साइज़ का नींबू लिया, जिसका मैंने रस निकाल ली हूँ, और इसमें 2 चम्मच पानी मिला दी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसे धीरे धीरे करके 1-1 चम्मच पानी, जो नींबू का रस मिला हुआ पानी है, इसे मैं डालूंगी और इसे धीरे धीरे चलाते हुए इसको छेना फाड़ूंगी। देखिए धीरे धीरे डालना है और इसे चलाना है कड़छी से। थोड़ा टाइम लग रहा है, कभी कभी दूध फटने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए अब इकट्ठे जितना बचा हुआ था वो रस नींबू का, वो मैं डाल दी इसमें, और देखिए कितना बढ़िया छेना फट के रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया छेना फट के रेडी है। पानी बिल्कुल अलग है और छेना बिल्कुल अलग। तो छेना रेडी है। अब मैं इसे छान लूँगी। एक छन्नी रखूँगी, उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रखूँगी, फिर उसमें डाल के छेने का जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसके अंदर सारा निचोड़ लूँगी। देखिए मैंने पहले एक स्ट्रेनर रखा, उसके ऊपर से एक कॉटन का कपड़ा डाला, फिर उसमें मैं छेना को डाल दी। अब मैं अच्छे से इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है सबको, कपड़े को अच्छे से पकड़ के और सारा पानी निचोड़ लूँगी। जो भी एक्सेस वाटर है सारे को मैं निचोड़ लूँगी अच्छे से। थोड़ा भी गर्म है, इसे केयरफुल्ली अच्छे से पकड़ के सारा पानी को निचोड़ना है, आप देख सकते हैं। अब मैं छेना को ठंडे पानी से अच्छे से धो लूँगी, ताकि इसमें जो भी नींबू का फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। देखिए मैं अच्छे से धो रही हूँ। अब मैं इसका जो भी एक्सेस वाटर है उसे निचोड़ लूँगी। मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट पे। देखिए कितना सॉफ्ट छेना निकला है। यहाँ पे मैं बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालूँगी और इसे हाथ से मल के एक चिकना डो रेडी करूँगी। 5 to 10 मिनट्स में ये डो रेडी हो जाता है। हाथ को अच्छे से प्रेस करके इसे मलना है। देख सकते हैं मैं हाथ को प्रेस करके इसे मल रही हूँ। आपको छोटे छोटे ले लेके बॉल शेप दे दूँगी। ज़्यादा बड़ी साइज़ में नहीं लेना, क्योंकि ये चाशनी में जाने के बाद फूल जा के बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं छोटे छोटे बॉल शेप में बना रही हूँ। देख सकते हैं मैं हाथ से प्रेस करते हुए बना रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे सारे छेने का बॉल्स बना के रेडी कर लिया, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे चाशनी की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैं जिस कटोरी से मुझे चीनी डालना है उसी से मैं 5 कटोरी पानी इसमें डाल दिया है।
अब मैं इसमें एक कटोरी चीनी डालूंगी और इसे घुलने तक अच्छे से पकाऊंगी। इसमें कोई तार की चाशनी नहीं बनेगी, बस चीनी पानी को घुलने तक पकाना है। देख सकते हैं चीनी पानी दोनों इसमें मैं डाल दी हूँ। मैं इसे धीरे धीरे चलाते हुए पकाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा चाशनी बिल्कुल रेडी है, सारी चीनी इसमें घुल चुके हैं। अब मैं इसमें एक एक करके सारे बॉल्स को डाल दूंगी। देखिए अपने आप ये चाशनी में तैर रहे हैं। इसको बिल्कुल चम्मच से स्टर नहीं करना। देखिए तो मैंने इसमें एक एक करके सारे बॉल्स इस चाशनी में डाल दिया। अब मैं इसे ढक दूंगी 5 मिनट के लिए, फिर मैं इसे चेक करती हूँ। रखा था 5 मिनट के लिए, अब मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखिए अभी इसे रेडी होने में कम से कम 15 मिनट और लगेंगे, तो मैं इसे और पकाऊंगी ढक के। इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। चलिए हम चेक करते हैं कि हमारा छेना रेडी हुआ या नहीं। पकते हुए ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं। चलिए तो मैं चेक करती हूँ कितनी अच्छी बॉयल आ रही है। आओ देखिए कितनी। मैं इसे चेक करूँगी, मैं एक चम्मच से इसमें से निकाल लेती हूँ और चेक करती हूँ। एक बॉल में यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया, इसमें छेना को डाल दूँगी। देखिए ये जाके नीचे बैठ गया, इसका मतलब हमारा छेना बिल्कुल रेडी है।